मॉर्निंग स्टूडेंट, इट इज योर स्टैंडर्ड 5 एंड वी आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश ग्रामर। इन प्रीवियस वीडियो वी स्टडीड वर्ब। वर्ब मींस एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड समटाइम्स इज यूज एज इंफॉर्मेशन वर्ड। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट द सब्जेक्ट इज और व्हाट द सब्जेक्ट रिप्रेजेंट। सो इट रिप्रेजेंट एक्शन और पोजिशन। सो वी हैव सीन अर्लियर द पोजिशन ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ वर्ब। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब। मेनी मीन्स there are countable, suppose helping verb and main verb। तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब हमारा टॉपिक है। लिख लेते ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। पर इसके पहले हम लोग वर्ब के बारे में थोड़ी डिटेल समझते हैं कि वर्ब हमारा जो होता है वो हम किस तरह से यूज करते हैं। मेनली जो टाइप्स होते हैं वर्ब के ये इस तरह होते हैं। एक होता है मेन वर्ब, एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसी को हम ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब इसी को हम कई बार टू बी बोल देते हैं। हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब। अब ये जो ऑक्सिलियरी वर्ब होता है इसके भी दो टाइप्स होते हैं, कॉमन ऑक्सिलियरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। उसके बाद जो मेन वर्ब होता है उसी के दो टाइप होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं इनके रेगुलर और इरेगुलर ऐसे दो और पार्ट होते। तो इस तरह से अगर हम ट्री डायग्राम बनाते हैं तो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये दो मुख्य टाइप्स हो गए। उसके बाद ऑक्सिलियरी में दो तरह के होते हैं, जैसे कॉमन ऑक्सिलियरी हो गए एम इज आर डू डिड डज हैव हैज। और मॉडल में कौन से आ जाते हैं, will, must, may, might, should, ये जो होते हैं ये मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब होते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो बच्चों आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 38 उस पर इस तरह से इंफॉर्मेशन दी है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स की। तो आज हम इस आधार से समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स एक्शन। तो क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब में जो
सब्जेक्ट होता है उसको जो वो जो भी कर रहा होता है उसको कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। यानी इसमें जो स्ट्रक्चर है एस प्लस वी प्लस वो स्ट्रक्चर रहेगी। यानी अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब अगर ऑब्जेक्ट है तो ये जो वर्ब होगा ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक, यानी जिसमें कर्म होता है, या जब एक्शन कर्म यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर की जाती है तब वो वर्ब जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे राजू पेंट्स द वॉल। अब यहां राजू पेंट्स द वॉल लिखा है तो इसमें राजू हो गया सब्जेक्ट, पेंट्स हो गया वर्ब, द वॉल हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसको समझो, राजू पेंट्स करता है लेकिन अगर हमने ऑब्जेक्ट नहीं बताया तो आपके मन में सवाल उठेगा कि क्या पेंट करता है। तो जो चीज पेंट हो रही है वो हमें बतानी पड़ेगी। तो यहाँ जो चीज पेंट हो रही है वो है वॉल, तो जो वॉल है वो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो वर्ब यूज हुआ वो ऑब्जेक्ट के साथ है, इसीलिए इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इसी तरह से और भी कई एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे द चिल्ड्रन वाटर्ड द प्लांट, बॉयज आर प्लेइंग खोखो, सी इज वॉचिंग मूवी। यानी इस तरह से जब भी हम वर्ब यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। लेकिन जब हम इंट्रांजिटिव की बात करते हैं तो इसमें जो वर्ब यूज होता है उसकी जो एक्शन का परिणाम है वो ऑब्जेक्ट पे नहीं होता। कई बार हम ऐसे एक्शंस करते हैं जिसका परिणाम हमारे ऊपर ही होता है, तो उसको हम इंट्रांजिटिव अर्थात अकर्मक क्रिया बोलते हैं। अकर्मक का मतलब ही होता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है वो एस प्लस वी इस तरह से रहेगा, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं रहेगा। इधर प्लस अदर वर्ड आ सकता है, इधर में कई वर्ड्स हो सकते हैं पर वो ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं रीना स्माइल, रीना स्माइल। उसी तरह सी स्लीप्स, ही स्विम्स, ये जो एग्जाम्पल है इनमें जो वर्ब यूज हुआ है उसका परिणाम सब्जेक्ट के ऊपर ही होगा। रीना स्माइल, रीना स्माइल, इसमें रीना हंसेगी तो उसके चेहरे पर इम्पैक्ट दिखेगा। सी स्लीप्स, वह सोती है तो इसमें उसी के ऊपर उसका परिणाम होने वाला है। ही स्विम्स, ही स्विम्स यानी उसी को स्विमिंग करनी है, वही एक जगह से दूसरी जगह स्विम करता हुआ जाएगा। तो एक्शन का जो रिजल्ट है वो सब्जेक्ट को ही फेस करना है। तो इस तरह से ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब हुए। अब बच्चों टाइम है एक्सरसाइज करने का, तो एक्सरसाइज एल दी हुई है और उसमें पूछा है राइट टी फॉर ट्रांजिटिव एंड आई फॉर इंट्रांजिटिव। तो आपकी एक्सरसाइज दी हुई है और इसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, महेश सैट डाउन, महेश बैठा। अब महेश बैठेगा
तो उसका परिणाम मैच पर होगा, इसलिए आई लिखेंगे। क्यों? इंटेंसिटी। फिर जिम्मी ब्रश हिज टीथ, यहाँ जिम्मी ब्रश करती है, पर ब्रश किसे करती है? टीथ को, तो टीथ ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो हम यहाँ टी लिखेंगे। इसी तरह ये पूरा एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एम एक्सरसाइज दिया है, अंडरलाइन द ट्रांजिटिव वर्ब्स, सर्कल द इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो इसमें अंडरलाइन किसको करना है? ट्रांजिटिव वर्ब को, और सर्कल किसको करना है? इंट्रांजिटिव वर्ब को। तो जैसे आई लव चॉकलेट, यहाँ पर आई लव चॉकलेट दिया हुआ है, चॉकलेट इज ऑब्जेक्ट, तो लव इज यहाँ पर क्या है? ट्रांजिटिव है, तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। फिर द डोर ओपन स्लोली, डोर ओपन स्लोली, यहाँ पे किसी ने ओपन किया ऐसा नहीं लिखा है, वो ओपन हुआ स्लोली, अपने आप भी कई बार हवा से दरवाजा खुल जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उस पर किसी सब्जेक्ट ने वर्क नहीं किया, तो यहाँ ओपन स्लोली लिखा है, इसलिए ये हो गया इंट्रांजिटिव, तो हम इसको कर देंगे सर्कल। बिल्कुल इसी तरह ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है और कॉपी में लिख लेना है। तो आज का होमवर्क है डू एक्सरसाइज। Okay.